अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स के ऊपर। तो हम लोग पहले बोन्स को थोड़ा सा समझेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स मींस ओके क्या क्या होते हैं, किन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है बोन को, तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ओके व्हाट इज़ बोन। तो बोन एक कैसा है कि रिजिड सब्सटेंस है, रिजिड ऑब्जेक्ट है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है हर एक पार्ट में, ताकि हमारे बॉडी को एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिले। ओके इट्स बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये मसल्स को अपने साथ में अटैच रखता है ताकि मसल्स गिरे ना, ओके एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग। ओके सो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि आप स्टैंड मतलब जब आप खड़े हो तो खड़े रह सको एंड ऑल टाइप ऑफ। ओके सो बोन का काम ये होता है। नाउ बोन के क्लासिफिकेशंस में मेनली 3 टाइप ऑफ डिविजन्स किए जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस टाइप ऑफ लाइन। सो 3 क्लासिफिकेशंस ऐसे होते हैं। ओके इन 3 क्लासिफिकेशंस में पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके देन सेकेंड वन इज द हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई एम शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सो प्लीज डोंट माइंड इट। ओके हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज द माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। ओके अब इसके अंदर भी सेपरेट क्लासिफिकेशंस होते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। ओके सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 6 टोटल टाइप्स होते हैं इसके अंदर भी, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर। सो पहला टाइप जो होता है वो होता है लॉन्ग बोन्स, इसके अंदर लॉन्ग बोन्स आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को जब हमारे वाइवाज में क्वेश्चंस होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन 6 क्लासिफिकेशन है वो लॉन्ग बोन्स होता है। ओके देन लॉन्ग बोन्स के बाद फिर होता है शॉर्ट बोन्स। मैंने जगह इसलिए छोड़ा है बिकॉज लॉन्ग बोन्स के अंदर भी कुछ सेपरेट क्लासिफिकेशन है जो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो लॉन्ग बोन्स होता है, फिर लॉन्ग बोन्स के बाद फिर शॉर्ट बोन्स होता है, फिर शॉर्ट बोन्स के बाद होता है फ्लैट बोन्स होता है। ओके फ्लैट बोन्स, देन नेक्स्ट होता है न्यूमेटिक बोन्स होता है, न्यूमेटिक बोन्स होता है, देन फिर इरेगुलर बोन्स होती है, इरेगुलर बोन्स। ओके एंड देन लास्ट वन जो होती है वो होती है सीसमोइड बोन, सीसमोइड बोन। ओके सो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें 6 टाइप्स हो गए, लॉन्ग बोन्स हो गया, शॉर्ट बोन्स हो गया, फ्लैट बोन, न्यूमेटिक बोन्स हो गया, इरेगुलर बोन्स हो गए, सीसमोइड बोन्स हो गया। ओके देन अब जो हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर भी कुछ बोन्स मतलब टाइप्स होते हैं। तो इसमें 2 टाइप से बेसिकली इसको देखा जाता है, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन एंड द सेकेंड वन इज द स्पॉन्जी और कैंसलस बोन। ओके सॉरी फॉर द राइटिंग, थोड़ा सा राइटिंग खराब है बट आई एम ट्राइंग। ओके सो कॉम्पैक्ट बोन है, स्पॉन्जी और कैंसलस बोन, ये 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। ओके नो अब जो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में। पहला होता है प्राइमरी और इमैच्योर बोन और दूसरा होता है सेकेंडरी और मैच्योर बोन। ओके प्राइमरी के लिए 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, प्राइमरी और इमैच्योर। ओके एंड इसमें रहता है सेकेंडरी और मैच्योर। ये दोनों क्लासिफिकेशन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो आइए अब हम देखते हैं लॉन्ग बोन्स के अंदर और कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं। सो देखते हैं लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे पास में 3 और टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? टिपिकल लॉन्ग बोन होता है, देन फिर मिनीचर लॉन्ग बोन होता है, एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होता है। ओके सो इसमें होता है टिपिकल लॉन्ग बोन्स, देन फिर होता है मिनीचर लॉन्ग बोन्स एंड देन होता है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। ओके
अब जो होते हैं इसमें हम लोग थोड़े से टाइप्स देख लेंगे कि लॉन्ग बोन्स के टाइप क्या क्या है, मतलब जो नेम्स एग्जाम्पल्स बेसिकली, टाइप तो हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे कि किसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. ओके, इन सब के एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यही सब एग्जाम्पल्स इसके अंदर भी आते हैं. ओके, सब जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स के अंदर जो टिपिकल क्लास टिपिकल लॉन्ग बोन है, टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर क्या क्या आता है, टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर आएगी आपकी लाइक आप समझ लो ह्यूमरस आएगी, रेडियस आएगी, अल्ना आएगी. ओके, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. ओके, सो टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर क्या आएगी, आपको ह्यूमरस मिल जाएगी. ओके, देन आपको रेडियस मिल जाएगी, देन आपको अल्ना मिल जाएगी. वही जो आपके हैंड में, आपके लाइक हैंड सॉरी आपके आर्म्स, फोर आर्म्स में एंड लाइक थाइज एंड लेग में होगा, तो ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना रहेगी. देन मिनिएचर लॉन्ग बोन, जो मिनिएचर लॉन्ग बोन है, मिनिएचर लॉन्ग बोन में क्या क्या है, मिनिएचर लॉन्ग बोन में आपको लाइक मिनिएचर लॉन्ग बोन किसे बोलते हैं. ओके, सो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर समझाना पूरा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो अभी हम लोग सिर्फ टाइप देखते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं. तो टिपिकल लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर. ओके, टीबिया, फिब्यूला, दीज आर दी टिपिकल लॉन्ग बोन्स. देन मिनिएचर लॉन्ग बोन क्या क्या होती है, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स. ओके, मेटाकार्पल्स, मैं भी सिर्फ एक एग्जांपल लिखता हूँ और एक बोल देता हूँ, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, ये सब होती है. ओके, देन उसके फिर जो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में आपकी आती है मेनली क्लेविकल होती है और बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा होती है. मैं क्लेविकल लिखता हूँ मेनली, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो क्लेविकल. नाउ अब जो शॉर्ट बोन्स है, शॉर्ट बोन्स के हम लोग टाइप्स देखते हैं. ओके, सो शॉर्ट बोन्स के टाइप क्या क्या होते हैं, शॉर्ट बोन्स में होती है आपकी कार्पल बोन्स एंड टार्सल बोन्स. ओके, ये दोनों बोन वही है जो हाथ में प्रेजेंट रहती है, ये कार्पल वाली और टार्सल वाली फुट में प्रेजेंट रहती है, कार्पल एंड टार्सल बोन्स. ओके, नाउ जो फ्लैट बोन्स है, फ्लैट बोन्स में क्या क्या होते हैं, फ्लैट बोन्स में होती है स्टर्नम, रिब्स, ये सब होती है. क्या क्या होती है, स्टर्नम रहेगी यहाँ पर, देन रिब्स रहेगी यहाँ पर. ओके, देन पेराइटल बोन रहेगी, पेराइटल. ओके, स्टर्नम जो हो गई आपके लाइक थोरेक्स रीजन में, देन रिब्स हो गए थोरेक्स रीजन में, एंड देन पेराइटल इज दी लाइक स्कल रीजन में. ओके, सो ये होगी फ्लैट बोन्स, स्टर्नम, रिब्स एंड पेराइटल. देन न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स कौन कौन सी होती है, न्यूमेटिक बोन्स लाइक, न्यूमेटिक मीन्स क्या होता है, इसमें लाइक कुछ साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो इसीलिए इन बोन्स के नाम जो होते हैं न्यूमेटिक बोन्स कहलाते हैं. सो इसमें इसके नाम क्या क्या है, मैक्सिला है, स्फेनॉइड है, एथमॉइड है. तो मैक्सिला में प्रेजेंट रहता है मैक्सिलरी साइनस, दैट्स वाई इसका नाम ये होती है न्यूमेटिक बोन. ओके, सो मैक्सिला भी मैं बोलता हूँ. ओके, देन फिर इररेगुलर बोन्स, इररेगुलर बोन्स कौन कौन सी होती है, इररेगुलर बोन्स बहुत सारी होती है, लाइक होती है हिप बोन होती है, देन फिर वर्टिब्रा होती है, देन बोन्स इन द बेस ऑफ द स्कल भी होती है. ओके, हम लोग यहाँ पर हिप बोन लिखते हैं मेनली, ये हिप बोन होती है मेनली इररेगुलर बोन, इसका शेप पूरा इररेगुलर होता है. ओके, नाउ जो सीजमॉइड बोन्स, सीजमॉइड बोन्स में दो होती है, वन इज द पैटेला एंड द अदर अनदर वन इज द पिसिफॉर्म बोन. ओके, सो पेटेला ये होती है, पेटेला जो आपके नी जॉइंट में है, जो आपको लाइक फीमर और जो टीबिया है उसके साथ में जो जॉइंट फॉर्म होता है उसमें पेटेला भी लगती है, तीन बोन्स रहती है. सो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ओके, सो सीजमॉइड बोन्स में जो पेटेला है, तो पेटेला इज द सीजमॉइड बोन. ओके, जो नी जॉइंट में, देन जो पिसिफॉर्म बोन जो इसमें एक होती है, इसमें आठ बोन्स होती है ना कार्पल बोन्स, तो कार्पल बोन्स में आठ बोन्स की एक बोन का नाम होता है पिसिफॉर्म बोन. सो बेसिकली ये होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, इररेगुलर बोन्स, स्मार्ट बोन्स. तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया आपका बोन का. अगर आपको ये जो नोट्स है, ये तो नोट्स लाइक उतना ब्यूटीफुल नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो वैसे तो. सो अगर फिर भी चाहिए आपको तो आप हमारा लाइक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक में आपको लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी. तो आप वहाँ से हमारे लाइक फेसबुक ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उसमें आप ज्वाइन करें. ओके, फेसबुक ग्रुप पे हम लोग रेगुलरली बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन करें. उसके बाद आप प्लीज़ मेनली हमारा इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक एक कोई भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. उसके बाद फिर आप लोगों को लाइक ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं हो, मैं लाइक पहले पढ़ चुका हूँ, बट क्या होता है कि कोई एक वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बार एक रिवीजन करना पड़ता है कोई भी वीडियो देने के लिए. ओके, सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ लाइक डू लाइक आवर वीडियो. ओके, एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. थैंक्स अ लॉट.